सभी का एक फिर से स्वागत है हमारे पौराणिक कथा यूट्यूब चैनल पर। पूर्व जन्म में मेंढक थी मंदोदरी। जानिए मंदोदरी से जुड़ी कुछ रोचक बातें। रामायण की एक प्रमुख पात्र मंदोदरी दैत्य राज मायासुर की पुत्री और लंकापति रावण की पत्नी थी। आज इस लेख में हम मंदोदरी से जुड़ी कुछ रोचक और अनसुनी बातों के बारे में जानेंगे। मंदोदरी के पूर्व जन्म की कहानी हिंदू पुराणों में दर्ज एक कथा के अनुसार एक बार मथुरा नामक एक अप्सरा कैलाश पर्वत पर पहुंची और देवी पार्वती को वहां ना पाकर वह भगवान शिव को आकर्षित करने का प्रयत्न करने लगी। तभी देवी पार्वती वहां पहुंचती हैं और क्रोध में आकर इस अप्सरा को श्राप देती हैं कि वह 12 साल तक मेंढक बनकर कुएं में रहेगी। भगवान शिव के बार बार कहने पर माता पार्वती ने मथुरा से कहा कि कठोर तप के बाद ही वे अपने असल स्वरूप में वापस आ सकती है। मथुरा लंबे समय तक कठोर तप करती है। इसी दौरान असुरों के देवता मयासुर और उनकी अप्सरा पत्नी हेमा एक पुत्री की प्राप्ति के लिए तपस्या करते हैं। इसी बीच मथुरा की कठोर तपस्या से वह श्राप मुक्त हो जाती है। एक कुएं से मयासुर हेमा को मथुरा की आवाज सुनाई देती है। मयासुर मथुरा को कुएं से बाहर निकालते हैं और उसे बेटी के रूप में गोद ले लेते हैं। मयासुर अपनी गोद ली पुत्री का नाम मंदोदरी रखते हैं, जिनसे रावण बाद में विवाह करता है। रावण मंदोदरी विवाह पर रावण मयासुर से मिलने आया और वहां उनकी खूबसूरत पुत्री को देखकर उस पर मंत्रमुग्ध हो गया। रावण ने मंदोदरी से विवाह करने की इच्छा जाहिर की, जिसे मयासुर ने अस्वीकार कर दिया। लेकिन रावण ने हार नहीं मानी और जबरन मंदोदरी से विवाह कर लिया। मंदोदरी जानती थी कि रावण अत्यंत शक्तिशाली है, इसलिए अपने पिता की सुरक्षा के लिए वह रावण के साथ विवाह करने के लिए तैयार हो गई। रावण और मंदोदरी के 3 पुत्र हुए, अक्षय कुमार, मेघनाद और अतिकाय। रावण बहुत अहंकारी था। मंदोदरी जानती थी कि जिस मार्ग पर वह चल रहा है उस मार्ग पर सिवाय विनाश के कुछ हासिल नहीं होगा। उसने बहुत कोशिश की ताकि रावण सही मार्ग पर चल पड़े, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मंदोदरी चाहती थी कि रावण भगवान राम की पत्नी माता सीता को उनके पति के पास भेज दे, क्योंकि वे उस श्राप के विषय में जानती थी जिसके अनुसार भगवान राम के हाथ से ही रावण का अंत होना था। लेकिन जब राम रावण युद्ध हुआ तब एक अच्छी पत्नी की तरह उसने अपने पति का साथ दिया और समर्पित स्त्री की पहचान कराते हुए रावण के जीवित लौटाने की कामना के साथ उसे रणभूमि के लिए विदा किया। रावण वध के बाद विभीषण से किया था विवाह। सोने की लंका की महारानी मंदोदरी रामायण का एक ऐसा पात्र है जिन्हें कभी ठीक से नहीं जाना गया। उनकी पहचान हमेशा लंकापति रावण की पत्नी तक ही सीमित रही और रावण की मृत्यु के बाद उनका अध्याय भी जैसे समाप्त कर दिया गया। बहुत कम लोग जानते होंगे कि रावण के वध के बाद मंदोदरी के साथ क्या हुआ था। रावण के वध के बाद मंदोदरी रणभूमि पर पहुंचती हैं। यहां पति पुत्र के साथ साथ अपनों के शव देखकर शोक में डूब जाती हैं। यहां श्री राम उन्हें याद दिलाते हैं कि वे अब भी लंका की महारानी और अत्यंत बलशाली रावण की विधवा हैं। इसके बाद मंदोदरी लंका वापस लौट जाती हैं। एक किंवदंती के अनुसार पति पुत्र के दुख में मंदोदरी खुद को महल में कैद कर लेती हैं। वे पूरी तरह से बाहरी दुनिया से संपर्क तोड़ लेती हैं। इस दौरान विभीषण लंका का राजपाट संभालते हैं। कई सालों बाद मंदोदरी फिर से अपने महल से बाहर निकलती हैं और विभीषण से विवाह करने के लिए तैयार हो जाती हैं। विवाह के बाद मंदोदरी ने विभीषण के साथ मिलकर लंका के साम्राज्य को सही दिशा में। समस्त व्रत कथाओं को सुनने के लिए आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और हमारे नई व्रत कथा का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।